done a very real, very good job and very fantastic job, and we are very happy to be a. It is a well done team, and we are very. ये गाना जो है basically एक पूरी फिल्म की थीम है, टाइटल है, फिल्म का टाइटल हमें तो लूट लिया, टाइटल ट्रैक भी वही है, हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों। कहानी में जो सारे किरदार हैं, जो कि मेन जो किरदार हैं, जैसे राजपाल यादव है, वो एक मेकअप मैन है, वो बॉम्बे शहर में आया था कुछ सपने लेकर कि मैं बहुत बड़ी तोप बन जाऊंगा, अपने सपने ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, उसको एक उसकी जो है कि उसकी मुलाकात किसी से हो गई, उसकी शादी हो गई, और उसकी जो है कि रोजी रोजी का चक्कर था तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया, क्योंकि वो कहीं बनारस वगैरह से आया था, जैसे कि रामलीला मेकअप करता था। लेकिन यहाँ पर जो है कि किसी तरह से उसका रास्ता चल रहा था। दूसरा किरदार है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो है कि उसकी बैक स्टोरी ये है कि वो कहीं हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर से आया था कि जहाँ पर उसकी फैमिली वगैरह जो है अब नहीं रही, किसी हादसे के अंदर कोई भी नहीं रहा उसका, तो वह वो अकेला है, उस शहर में आता है रोजी रोटी के लिए जो है कि स्ट्रगल के लिए, तो टैक्सी चलाने लगता है कि बिकॉज ड्राइवर था वो। और तीसरा दोस्त है उनका है, वो है अपना मनोज जोशी। मनोज जोशी जो इसी शहर का रहने वाला है, बेसिकली गुजराती है, और वो वास्तुशास्त्र वगैरह में महारत है उसको। तीनों दोस्त हैं अलग अलग फील्ड के, तीनों के अपने अपने सपने हैं, और एक पॉइंट पर, एक मुकाम पर जो है कि उनकी मुलाकात एक औरत से हो जाती है, जो कि औरत जो है कि एक सपना उनको बेचती है कि हमारी एक स्कीम है जिसको कहते हैं कि उस स्कीम में अगर आप पैसे लगाओगे तो 3 गुना बढ़ जाएंगे। और इस शहर के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पर कि आप जो है कि 10,000 लगाओगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, और जैसा कि इन सारी स्कीम्स का होता है कि अल्टीमेटली वो सारे फ्रॉड साबित होते हैं और सबके सब पैसे डूब जाते हैं। यही कहानी है, ये भी अपने अपने पैसे लगाते हैं, अपना किसी ने अपना घर बेच दिया, तो किसी ने अपनी टैक्सी बेच दी, किसी ने कुछ और बेच दिया, गिरवी रख दिया, और फिर ऐसे ही हुआ जैसा होना, ऐसी स्टोरीज का जो होता है। ओके, ये ऐसा है कि जब ये सारे शहर में ये अफवाह नहीं ये फैल जाती है, सारे चैनल से फ्लैश होने लगता है कि DCT में जो पैसे लगाए सबके सब तबाह हो गए, लुट गए, तो ये लोग जो है हमारे तीन किरदार जो है, और हमारा जो फिल्म का जो एक लड़के एक युवराज नाम का करेक्टर है जो कि एक छोटे से सिटी से आया हुआ है, जैसे अक्सर आते रहते हैं, इसको हीरो बनना है, इस शहर में आता है तो हीरो बनने के चक्कर में काफ़ी उसको अड़चने आती हैं, और वो भी जो है कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसकी वजह से वो घर जा ही नहीं सकता वापस, उसने सारे पैसे जो लाए हैं किसी तरह से वो लुट जाते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसा तो हो रहा ही है, आप लोग बेवकूफ़, ऐसा कहीं होता है कि 10 के 30 होते हैं? नहीं होता है। इस शहर में आता है अपना सपना लेके कि वो हीरो बनना चाहता है, स्टार बनना चाहता है, और यहाँ पर आकर उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़की से जो एक रेडियो जॉकी है, और किसी तरह से वो ऑडिशंस वगैरह देता है, लेकिन उसका सपना जो है एक पॉइंट पर आगे अटक जाता है, इसलिए वो पैसे हासिल करता है और वो स्कीम में लगा देता है, और जैसे बाकियों का असर होता है उसका भी वही होता है, वो भी लुट जाता है। ओके, कास्टिंग कितनी कितनी अहम है, देखिए ना, संजय मिश्रा हैं और राजपाल यादव हैं, ये कितना बांधे रखेगी ऑडियंस को, किस तरह का कॉमेडी का फ्लेवर देखने को मिलेगा? ये फिल्म जो है कि आप जो है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हंसते ही रहोगे, और ये सारे जो किरदार है ये प्रॉपर सिलेक्शन है, जैसे कि इस फिल्म के लिए मुझे एक नया लड़का इसलिए चाहिए था बिकॉज इस शहर में इतने सारे लड़के आते हैं अपने अपने सपने लेकर, इसलिए नया लड़का चाहिए था, और ये जो किरदार ऐसे ये बहुत कॉमन लोग हैं। अगर राजपाल को अगर मैं दिखाऊं कि वो करोड़पति है, मल्टी मिलियनर है, तो हो नहीं सकता है, एक कॉमन इंसान है, तो संजय मिश्रा भी वैसे ही कॉमन इंसान है, तो कॉमन लोगों की कहानी है, और जो लोग लुट जाते हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि शायद तो सितंबर एंड या अक्टूबर तक फिल्म रिलीज हो जाएगी। वेलकम वेलकम नहीं, ये सिनेमा का वो पार्ट है जहाँ सब दुखी हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पे ले आते हैं हमको, और थोड़ा नशा वशा करते हैं, और तो इसलिए ऐसा साहब क्यों मनोज ऐसे मैखाने में हैं हम लोग जहाँ डांस भी हो रहा है, और चारों दोस्त जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि उसमें से निकलेंगे कि नहीं पता नहीं, और अपना गम मिटाने के लिए यहाँ आए हैं, तो एक सॉन्ग है ये, और हमें तो लूट लिया,
टाइटल सॉन्ग है और बहुत ही दुखी किस्म के हैं ये। संजय मिश्रा के गेटअप पर से नहीं लगते हैं ये कितना दुखी है। देखो मेरे गेटअप पर से नहीं लगता है मैं कितना दुखी हूँ। ये देखिए जब हम बात गाने की बात करते हैं, हमें तो लूट गया बहुत पुराना गाना है, कितनी यात्रा हो जाती है और आप कितना रिलेट करते हैं गाने से? कुछ गाने कीर्तन बन जाते हैं हिंदुस्तान में ना, तो ये कीर्तन गानों में से है। हमें तो लूट लिया ना, ये कीर्तन गाना है तो। और ये तो एवरग्रीन सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग है तो। ये हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने गाना था, उसी स्टाइल का ये गाना है तो लोगों के दिलो दिमाग में कवालिस भी है उसमें। और ये सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत ही मतलब भले हम दर्द में हैं पर पीपल विल एंजॉय। हर बार जब भी आप जिस भी फिल्म का हिस्सा बनते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, आई एम नोबडी टू अप्रिशिएट योर वर्क, एवरीवन नोज अबाउट यू, इसमें ऐसा क्या खास लगा आपने इस फिल्म का, आप इस फिल्म का हिस्सा बने और ऑडियंस को किस तरह का फ्लेवर देखने को मिलेगा जब हम क्वालिटी की बात करें? तो इस फिल्म में सबसे खास था सूरी, जिससे जो हमारे डायरेक्टर हैं उससे काफ़ी पुराना एक रिश्ता होता है। तो आप अगर एक इंडस्ट्री में हैं और उसको जानते हैं और उसको लगता है कि वो आपके साथ काम करे तो वो एक बिल्कुल देना पड़ता है। फिर कॉमेडी इसमें मज़ा किस तरह के, क्योंकि ये एक अपने तरह के व्यंगात्मक एक्टर हैं, मैं एक अलग किस्म का व्यंगात्मक एक्टर हूँ, ये हम सब के बीच में बड़ा नया है। राजपाल तो एक हमें लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा इतना ज़्यादा ना। ये फिल्म सबके लिए, बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए, कोई वल्गैरिटी नहीं है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, आउट एंड आउट कॉमेडी, प्योर एंटरटेनमेंट। कैसा एक्सपीरियंस रहा संजय मिश्रा जी, मनोज सर, राजपाल काम कर रहे हैं? बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी भी आप जैसा देख रहे थे जो कॉम्बिनेशन सीन था, हम लोग उसके पहले बैठ के कुछ डिस्कस किया आपस में कि ऐसा ऐसा करना है और तुरंत सब ने कैच किया, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट ही हमारे साथ में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आशा करता हूँ कि आगे भी इनके साथ काम करने का मौका मिले। ओके संजय सर, आखिरी सवाल आपसे, डायरेक्ट कर रहे थे उसको अरमान खान, उसका मुहूर्त करने में जो भी बात रही थी, उस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा क्या अभी भी वो अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, उसका दूसरा साइड कुछ उठ के आया है तो पिक्चर रुकी हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं किया आपने देखा कहाँ चल रहा है? पूरे देश की मीडिया बताई थी, बोलता हूँ अरे बहुत जूनियर और डांसर ओनली। अरे बहुत आज खूब दिन भर से नाच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब शरीर को खूब जो है म्यूजिक में आनंद ले रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है और गाना का गाना शूट हो रहा है और आप सब मिल रहे हैं, सब एक दूसरे मिल के गले लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी प्यारी सी एक लाइट सी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है और जिसमें आपको आज का वातावरण भी देखने को मिलेगा और अच्छे चुलबुले से संवाद हैं उनमें, हंसी भी आएगी और बड़े अच्छे से जो है बिगिनिंग मिडिल एंड के साथ फिल्में बनी हुई है, अच्छी फिल्म बनाई है। मेकअप मैन का कर रहा हूँ जी, मैं मेरे साथ आज मेरे साथ जो मेकअप मैन मेरे 15 साल से मेरे साथ में है, मुझे लगता है कि और बहुत सारे मेकअप मैन मेरे दोस्त हैं तो मेकअप मैन की दुनिया में ही मैं रहता हूं कि सवेरे हो के सबसे पहला मुझे डायरेक्टर नहीं मिलता है, हमें सबसे पहले मेकअप मैन आइए आपका मेकअप कर दें, तो मेकअप मैन बहुत दिल के करीब हैं। तो किसी भी आर्टिस्ट का चेहरा वो चाहे जिस भी तरीके का हो लेकिन एक कैरेक्टर बदलने की अगर कोई क्षमता होती है मेकअप मैन की होती है। और मेकअप मैन का रोल ये मेकअप आर्टिस्टों को ऐसे ही मतलब एक हंसी खुशी के लिए समर्पित है और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक आर्टिस्ट का दूसरा जो चेहरा है वो मेकअप मैन के हाथ हैं और उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पूरा जो चलता है जिस तरीके का और जिस तरीके का मतलब कभी कभी सीरियस होते हैं तब ये जेन्युइन सीरियस होते हैं, कभी कभी काम ऐसा ना हो फिर भी सीरियस होने का पूरा मतलब ठीक है तो दोनों में, लेकिन ये बहुत इन मेकअप आर्टिस्ट के बगैर एक आर्टिस्ट अधूरा है। ओके संजय मिश्रा, मनोज जोशी तो ऑलरेडी काम कर चुके, कैसा एक्सपीरियंस रहा
ये मैं देख रहा बहुत इंटरव्यू के दौरान भी बहुत एंजॉय कर रहे थे सब लोग दूसरे के। ये क्या है कि ये एक आज का एसोसिएशन नहीं है, 200 साल का एसोसिएशन है, जिसमें शूटिंग होती है तो सोने पर सुहागा होता है, और शूटिंग जब नहीं होती है तो एक दूसरे के घर पे बैठ के इतने एंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा बोलते हैं ना कि दुख बांटने से घट जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो एक दूसरे को देख के अगर खूब अच्छी से हंसी एक दूसरे को शेयर कर लें तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो फिल्म है तो फिल्म नहीं है तो एक दूसरे जब भी मिलते हैं तो जीवन को पूरी रूप से जीने की कोशिश करते हैं। ओके, सिद्धांत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए आर्टिस्ट हैं। देखिए, सिद्धांत छोटे भाई की तरह हैं और आज ये उसकी पहली फिल्म है, और हम इतनी सारी शुभकामनाएँ देते हैं पूरे ठाकुर परिवार को कि अच्छे से ये इन्होंने मेहनत की है, पैसा लगाया, खूब आगे बढ़ें और खूब नाम करें। और अभी ये उनकी पहली फिल्म है और उनका डेडिकेशन पैशन देख के जिस तरीके से, तो बस यही शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में खूब देश की सेवा करें मनोरंजन के माध्यम से। ओके, 2017 में क्या प्रोजेक्ट आपके हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या कितनी फिल्में रिलीज़ की 2017 जो है वो आपको एक फिल्म फायर फाइटर देखने को मिलेगी, एक छोटा डॉन देखने को मिलेगी और एक अंताय देखने को मिलेगी, अंताय द मैन हु चेंज द फ्यूचर। तो ये तीन फिल्में जो हैं जो अब पूरी तरीके से अगले 6-7 महीने में आपको रेडी होके मिल जाएंगी। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो फिल्में 2-4 बहुत अच्छे वो भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि राजपाल यादव की रिलॉन्चिंग है। ओके, आमिर खान साहब को, सॉरी, शाहरुख खान साहब को रिटेन किया गया था यूएस में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, दूसरी बार शाहरुख को रिटेन करा गया यूएस में और फिर बाद में यूएस ने माफी भी मांगी कि हमसे गलती हुई, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सिक्योरिटी रीज़न बता के शाहरुख से आर्टिस्ट को रिटेन करा जाता है और वो भी तीसरी बार, और फिर यूएस माफ़ी भी मांगता है, यूएस के ऑफिशियल्स माफ़ी मांगते हैं, कितनी सही और गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक आदमी जो इतने साल से इस इंडस्ट्री की, देश की, जिसमें अगर बराक ओबामा साहब आते हैं देश में, अगर वो बोलते हैं कि शाहरुख की लाइन की बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, अगर बराक ओबामा जी उनके द्वारा बोले हुए जो डायलॉग हैं उनको रिपीट करके, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका शाहरुख खान साहब को नहीं जानती है। तो ये, और नहीं है तो पहले आप एक बार पता कर लो, आपको अगर एक बार आपने पूछताछ की है तो आपके पास डाटा होता है। आज डिजिटल इंटरनेट का ज़माना है तो उसमें तुरंत आपको वो फोटो से तुरंत आपका वो जैसे डालोगे तो तुरंत पूरा डाटा आ जाएगा, तो आप उनको रिस्पेक्ट भेज सकते हो कि सर प्लीज़ गो। लेकिन अगर दोबारा फिर वही प्रोसेस जो पहले हुआ था तो इसमें दुख की बात है और इसमें क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सीखने समझने की ज़रूरत है। और आज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, पूरे वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट दें और कैसे रिस्पेक्ट लें। थैंक यू, हमें तो लूट लिया, पूरी तरीके से लूट लिया, खूब घर भर में बैठ किचन से लेके परिवार तक खूब दिल खोल मज़ा लूटो, हमें तो लूट लिया।